वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स में आपने सर्जरी कराई, प्रोस्टेट की TURP कराया या लेज़र सर्जरी कराई, उसके बाद भी यूरिन की समस्या बनी हुई है, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि यूरिन आपको बार बार जाना पड़ रहा है, रात में बार बार जाना पड़ रहा है, यूरिन में जलन भी है, यूरिन लीकेज की समस्या है, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रोस्टेट सर्जरी में जब ये सर्जरी करी जाती है तो दो तरीके की समस्याओं की वजह से सर्जरी करी जाती है। एक होता है कि आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी है, अर्जेंसी है, बार बार यूरिन करने जाना है और रात में बार बार उठना है। और दूसरी समस्या होती है कि यूरिन फ्लो की, कि आपकी पेशाब की धार जो है पतली हो गई। तो ज़्यादातर केसेस में जब हम ये प्रोस्टेट की सर्जरी करते हैं तो जैसा कि आप इस चलचित्र में देख रहे हैं कि प्रोस्टेट जो है वो ब्लैडर और यूरिथ्रा के बीच में एक ऑर्गन है, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो रुक जा रहा है। तो ये सर्जरी करने के पश्चात क्या होता है कि जो ब्लैडर है उसको ये नहीं पता कि ये जो सर्जरी जो हमारी हुई है प्रोस्टेट, ये रातों रात जो इतने दिन से ऑब्स्ट्रक्शन था ये वहाँ से चला गया। तो ब्लैडर जो है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो पुराने ही एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और इस वजह से आपको अर्जेंसी हो सकती है, आपको फ्रीक्वेंसी हो सकती है, आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं यूरिन की, फ्रीक्वेंसी की, अर्जेंसी की, वो बढ़ सकती हैं ऑपरेशन के बाद। आपको यूरिन में जलन भी हो सकती है, क्योंकि अब जो यूरिन है वो एक जो प्रोस्टेट फॉसा है वो हीलिंग फेज में होता है। कुछ में लेज़र से हीलिंग थोड़ी जल्दी हो जाती है, TURP में हीलिंग थोड़ी सी डिले रहती है, बट यूजुअली जो है आप मान लीजिए 3 से 4 हफ्ते पूरी हीलिंग में लगते हैं। अगर 2 महीने से भी ज़्यादा है और हील नहीं हुआ है तो फिर कभी कभी जो रेजिडुअल टिश्यूज होते हैं उनको हटाना पड़ता है। तो अगर ये समस्या है तो हीलिंग फेज में आपको शुरू में यूरिन में जलन हो सकती है, आपको यूरिन बार बार भी आ सकता है और आपको यूरिन की लीकेज की समस्या भी हो सकती है। तो यूरिन लीकेज जो है वो इससे लोग काफ़ी इसको डरते हैं और इस वजह से कभी कभी इसमें देखा जाता है कि प्रोस्टेट की सर्जरी के दौरान या कराने के लिए उनमें एक विलंब होता है और उनके मन में हमेशा एक शंका रहती है। किसी ने दोस्त में सुबह बात करी कि भाई हमने अपनी सर्जरी कराई और हमारे को यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम हो गई, तो ज़्यादातर लोग मन में बना लेते हैं कि भाई ये यूरिन लीकेज जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस प्रोस्टेट सर्जरी की, इसलिए इसको कराना नहीं चाहिए और जो है सिर्फ दवाइयों से ही हमें काम लेना चाहिए। तो ज़्यादातर जो यूरिन लीकेज की समस्या है वो दो तरह का लीकेज होता है। एक तो है अर्ज इनकॉन्टिनेंस, जिसको कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस, मतलब कि हमारा प्रेशर इतना ज़्यादा है कि जैसे ही हम यूरिन के लिए हमें लगेगा कि यूरिन आ रहा है तो अगर हम जल्दी ही बाथरूम नहीं जाएंगे तो यूरिन लीक हो जाएगा। तो ये हुआ अर्ज इनकॉन्टिनेंस। दूसरी जो यूरिन की समस्या है वो होती है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब कि अगर आप अचानक से खड़े हो गए या आपको छींक आई या आपको खांसी आई तो यूरिन लीक हो जाता है। तो ये दो तरह की समस्याएं ज़्यादातर हमने देखी हैं और इनमें जो पेशेंट्स होते हैं वो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो यूरिन का जो समस्या, जो अगर हम देखें तो यूरिन कंट्रोल दो चीज़ों से होता है, एक है इंटरनल स्फिंक्टर जो ब्लैडर नेक भी जिसको कहा जाता है, और एक होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर जैसा कि आप देख रहे हैं इस चलचित्र में। तो जो ब्लैडर नेक है वो हर सर्जरी में प्रोस्टेट की हटा दिया जाता है, तो हमारा जो एक ही स्फिंक्टर है जो बचता है ऑपरेशन के बाद, जिसको कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहते हैं, इसको रैपडो स्फिंक्टर भी कहते हैं। इसमें स्ट्राइटेड मसल होती है, तो जो स्ट्राइटेड मसल है वो हमारे अपने कंट्रोल में होती है। तो जैसे अगर आप यूरिन अगर आप करते हैं और यूरिन का प्रेशर आ गया और आपको कोई मीटिंग में यूरिन रोकना है तो वो रोकने की जो क्षमता होती है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर की ही वजह से होती है। तो ऑपरेशन में घबराने की बात नहीं है, इंटरनल स्फिंक्टर जो है हमारे कंट्रोल में कभी नहीं होता, एक्सटर्नल स्फिंक्टर ही हमारे कंट्रोल में होता है। और उसको अगर ये वीक हो जाता है या फिर क्योंकि अब इसको डबल काम करना पड़ रहा है, इंटरनल स्फिंक्टर है नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल स्फिंक्टर ही बचा है, तो इसीलिए और फ्लो बढ़ गया है, तो इसीलिए अर्जेंसी की प्रॉब्लम आती है। तो हमें कुछ एक्सरसाइज करनी होती है, जैसे कि कीगल एक्सरसाइजेस। कीगल एक्सरसाइजेस जो हैं वो पेल्विक फ्लोर मसल को हमारे ज़्यादा बेहतर करती हैं और इस वजह से ये जो फ्लोर एक्सरसाइज हैं, कीगल करने का तरीका यही है कि यूरिन को आप पहले रोकिए। तो ज़्यादातर पेशेंट्स में जिनमें कि हम सर्जरीज करने से पहले भी उनको कीगल एक्सरसाइज सिखाते हैं,
कि वो यूरिन जब कर रहे हैं, पेशाब की धार को जब आप कर रहे हैं तो उसको आप जब बीच में रोकेंगे तो एक मसल जो है वो टाइट होती है, और उसी को कीगल मसल या पेल्विक फ्लोर मसल कहा जाता है। तो ये करना ज़रूरी रहता है। कीगल एक्सरसाइज के अलावा कुछ मेडिसिंस होती हैं जैसे कि हम ओवर एक्टिव ब्लैडर में देते हैं, तो उससे ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ज़्यादातर केसेस के अंदर जो ये लीकेज होती है वो समस्या मैक्सिमम पेशेंट्स में 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने तक ठीक हो जाती है। अगर 6 महीने के बाद भी समस्या ठीक नहीं हो रही है तब फिर हमें इसमें एडिशनल कोई प्रोसीजर करना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम्स जो हैं यूरिन लीकेज की ज़्यादा आती हैं रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी के बाद, जैसे कि रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी है या फिर ओपन रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी है जो कि कैंसर प्रोस्टेट के लिए करा जा रहा है, क्योंकि उसमें हम पूरा प्रोस्टेट हटा रहे हैं, तो उसमें यूरिन लीकेज की समस्या ज़्यादा रहती है बनिस्पत इसके कि जो हमारा बिनाइन प्रोस्टेट है, BPH है, जिसमें कि इन्यूक्लेशन किया गया या फिर DURP किया गया, और हमने एक स्पेशल टेक्निक डेवलप करी है इन्यूक्लेशन ऑफ प्रोस्टेट में, जिसमें कि हम एपेक्स रिलीज करते हैं जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और इसको रिलीज करके पहले ये देखा गया है कि ज़्यादातर पेशेंट्स में यूरिन लीकेज की समस्या Day 1 जब कैथेटर निकालते हैं तो भी नहीं आती। हो सकता है कि 0.5% पेशेंट में ये समस्या हो, पर ज़्यादातर पेशेंट्स ठीक रहते हैं। तो ये मेरा मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो से कि आपको घबराना नहीं है, और ये देखना है कि अगर आपके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, बहुत अर समय, तभी सर्जरी करी जाती है प्रोस्टेट में। हर पेशेंट की प्रोस्टेट में सर्जरी नहीं करी जाती। तो अगर प्रोस्टेट की सर्जरी आपने एक बार अर्न कर ली है तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर पेशेंट्स खुश रहते हैं, और दवाइयाँ जो हैं वो शुरू में 1-2 महीने पोस्ट सर्जरी आपको लेनी पड़ती हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपकी जो स्थिति है वो नॉर्मल से बहुत बेहतर हो जाती है। रादर पेशेंट्स जो हैं वो सुपर वाइटर्स बन जाते हैं, जैसे कि आप इस यूरिन फ्लो टेस्ट में देख सकते हैं कि पहले सिर्फ 4 का फ्लो था और अब जो है 30-40 से ऊपर का फ्लो आ जाता है। तो ऐसे पेशेंट जो हैं ज़्यादातर इस सर्जरी के बाद सुपर वाइटर्स बनते हैं, एंड वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इम्प्रूव कर जाती है। नमस्कार।